प्रेम, ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता, बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंगवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपनी प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थ, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना, त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा, दुख उसको छूपता रहेगा। वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़े। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। राधे राधे। ईश्वर, जब भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर से ये अवश्य मांगते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, इन संकटों से, इन कठिनाइयों से हम सदा दूर रहें। किंतु ये बहुत बड़ी भूल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, भला ईश्वर से, संकटों से दूर रहने की कामना करना, ये भूल कैसे हो? क्योंकि ये संकट, ये कठिनाई जिनसे हम दूर भागते हैं, जो संकट कुछ ही समय के लिए आता है और फिर जाने के पश्चात आपको अपने सगों, आपके हितैषी, आपके मित्रों की परख करवा देता है, आपकी सोई हुई समझ जगाता है, आपको और भी बलवान बना देता है। ये संकट जिससे हम दूर भाग रहे हैं, यदि हम इन संकटों का सामना करना सीख जाए, इस अनुभव से सीखना, आत्मसात कर, ये जीवन और भी अधिक आनंदमय हो जाएगा। तो अब से जब भी ईश्वर को स्मरण करें, संकटों से दूर रहना नहीं, संकटों का सामना करने की शक्ति मांगे, स्वप्न देखें और निडरता से उसकी ओर बढ़े, ये स्वप्न अवश्य सच हो। राधे राधे। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं,
पश्चाताप ना करें, अपनी भूल को पहचाने, उसे समझे, उसे सुधारने का प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं, प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है, इन पर पुनः नन्नी नन्नी सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें ये सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गए। राधे राधे। आइए, आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चतुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं, तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? कि हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझ कर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। राधे राधे।